Hello everyone, I hope all the you are doing good and I am Nidhi Pandey from meta.com. और आज मैं आपके लिए लाई हूँ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज़ बॉडी मूवमेंट सो क्लास सिक्स से रिलेटेड बॉडी मूवमेंट्स के इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे हमारे जो बॉडीज हैं उनके कुछ उनमें कुछ ज्वाइंट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है हम जानेंगे कि हम कैसे मूविंग करते हैं ठीक है हमारी जो आ, हम आ, हमा, हम जो हैंड्स मूविंग करते हैं ठीक है हम अपनी उंगलियों को मूव कर लेते हैं ओके हम अपनी फिंगर्स हमारे जो लेग्स हैं उनकी फिंगर्स को मूव कर लेते हैं ओके हम अपने लेग को मूव करके हम वॉक कर लेते हैं ओके okay? कैसे वॉक कर लेते हैं एंड प्लांट्स मूविंग करते हैं इन सबके uh, इन सबसे जो पुटिंग आउट जो क्वेश्चन उन uh, उनके सॉल्यूशन हम इसमें निकालेंगे ओके okay? फिर uh, हम ये भी देखेंगे कि हाँ इसमें एनिमल्स uh, भी मूव करते हैं कि okay? इन सब के बारे में हम इसमें इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे ओके सो मेन जो ये चैप्टर्स है बॉडी मूवमेंट्स दैट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स ओके तो इसमें हम मोस्ट जो है जो हमारा मेन जो टॉपिक होगा वो हमारा किसकी तरफ फोकस होगा ह्यूमन बॉडी मूवमेंट ओके सो इसमें हम ह्यूमन में जो हमारे ह्यूमन में जो बॉडी मूवमेंट्स होती हैं उस पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे सो लेट्स मूविंग अहेड इसमें फर्स्ट कह रहा है आपको बता रहा है कि इट इज़ एब्सोल्युटली स्टिल ओके ऑब्जर्व द मोमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आईज़ टाइम टू टाइम तो सो आप फर्स्ट देखते होंगे कि जब अपने आईज़ को आप ब्लिंकिंग करते होंगे ओके okay? जैसे आपने आंखें आप बंद करते हैं ना बंद करते हैं खोलते हैं तो दैट इज़ योर ब्लिंकिंग फिर आप आ, अपने हाथ को ठीक है अपने हाथ को मूवमेंट करते होंगे आप तब भी देखते होंगे आप वन प्लेस से अनदर प्लेस में जाते होंगे लेग से ठीक है आप अपने लेग लेग मूवमेंट करते होंगे लेग का यूज़ करते होंगे इस मूवमेंट के लिए कि आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है तो अपने पैरों का इस्तेमाल करते होंगे आप ओके okay. सो so, ऐसे कई सारे ऐसे, ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें आप अपने फ्रेंड से आप मिल रहे हो आप किसी आ, आ, किसी एनिमल को देख रहे हो ठीक है आप आ, कहीं जा रहे हो कहीं फील्ड में जा रहे हो एंड कोई एक्टिविटी कर रहे हो कुछ कर रहे हो आप एक्टिविटी कोई कर रहे हो तो भी वहाँ पर मूवमेंट है तो आप इन सब जगह मूवमेंट को देख सकते हो बहुत इजीली देख सकते हो आप रोड क्रॉस कर रहे हो ओके सो लेट्स सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठ रहा है कि हमारा मूवमेंट तो हमें दिख रहा है लेकिन हम एनिमल्स के मूवमेंट प्लांट्स के मूवमेंट्स मूवमेंट्स जो होते हैं उनके बारे में कैसे जानेंगे यहाँ पर भूजो यहाँ पर फर्स्ट uh, लाइन जो आप देख रहे हैं कि ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसा uh, यहाँ पर क्वेश्चन पिटअप कर रहा है ओके सो so, यहाँ पर जो क्वेश्चन पुटअप करा है कि लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल एट पॉइंट वन आफ्टर डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स और टीचर्स एंड पेरेंट्स तो आप अपने फ्रेंड्स टीचर्स के बारे में डिस्कस करो कि वो जो मूवमेंट करते हैं ना उनको क्या कहते हैं और वो कैसे करते हैं ठीक है क्रीपिंग है? करते हैं क्रॉल करते हैं क्रीप करते हैं ठीक है क्रिप मूवमेंट क्या होता है रेंगना जो भी एनिमल्स आपके रिंग के मूवमेंट कर रहे हैं उसको आप कह देंगे क्रिप मूवमेंट तो अगर जो आ, आपके जो टेबल एट पॉइंट वन ये जो दिख रहा है ना ये हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तो अगर जो इसमें कोई ने टाइप का आपको एनिमल दिख रहा है तो आप वहाँ पर फिल कर देना क्रिप ओके सो इट्स क्लियर कि क्रिप मीन्स क्या होता है आपका जो रिंग के चल रहे हैं दैट इज़ योर की क्रिप ओके फिर आपका क्रॉल मूवमेंट ऐसे हो गया जो घुटनों के बल चल रहे हैं क्रॉल मूवमेंट तो आपको जो भी एनिमल्स ऐसे दिख रहे हैं जो घुटनों के बल चल रहे हो या फिर एक छोटा बच्चा जो होता है वो भी घुटनों के बल ही चलता है तो उस वक्त उसे क्या कहेंगे उस वक्त कहेंगे कि वो क्रॉल मूवमेंट कर रहा है दैट सिचुएशन इज़ कार्ड कि वो क्रॉल मूवमेंट कर रहा है सो so, यहाँ पर देखिए भुजो एक क्वेश्चन पुटअप कर रहा है प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स के जो मूवमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं अब प्लांट्स तो मूवमेंट करते नहीं आपने कभी देखा कि प्लांट्स ने अपना एक प्लेस बदल के आपने कोई सपोज uh, करो कि आपने कोई मैंगो uh, का पेड़ लगाया है okay? ओके तो मैंगो का पेड़ लगाया आपने इस जगह तो आपने देखा कि वो उठ के कहीं और चला गया हो ऐसा तो कभी नहीं होता ओके okay? तो प्लांट्स uh, कभी मूवमेंट तो करते ही नहीं है लेकिन यहाँ भूजो जो है उनके प्लेस चेंजिंग आई मीन उनके मूवमेंट उनके uh, अंदर जो वो खुद में जो मूवमेंट कर रहे हैं जो चेंजिंग कर रहे हैं उसको लेकर इसके आ, मन में एक क्वेश्चन चल रहा है ठीक है कि अदर काइंड क्या कोई ऐसी आ, और भी कोई मूवमेंट है जो प्लांट्स करते हो जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं ठीक है तो ऐसे मूवमेंट्स बहुत से मूवमेंट्स हम में प्लांट्स में एनिमल्स में ऐसे बहुत से मूवमेंट्स दिख रहे हैं और ये कैसे हो सकते हैं क्यों हो सकते हैं क्यों ये मूवमेंट हम ये मूवमेंट क्यों कर पा रहे हैं ठीक है हम ये सभी इसमें पढ़ेंगे और हम इन सभी मूवमेंट्स के नेम देखेंगे ठीक है और ये सभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सो विल मूविंग अ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है और आ, उनके मूवमेंट्स हैं वो कैसे हैं किस तरह से ठीक है ये देखेंगे हम तो लेट क्लोजली एट सम ऑफ आवर सम्स टू बेगिन विथ बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वेराइटीज ऑफ मोमेंट्स इन एनिमल्स डू यू इज डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल क्या कभी आपने जो आपका जो पी टी करवाया जाता है स्कूल में ठीक है फिजिकल फिजिकल मूवमेंट होता है पी टी होता है आप तो वो उसमें क्या अभी आपने कभी एक्सरसाइज को एक्सरसाइज को इंजॉय किया है तो आप उसमें बहुत से मूवमेंट करते हो ओके okay? तो आपने कभी ये फोकस किया है कि आप जब हाथ ऊपर उठा के ठीक है ये वाला मूवमेंट टेक आपका होता है हाथ वाला फिर आप जंपिंग करते हो इन सभी को क्या आपने कभी इसको बहुत अच्छे से कभी इसको ध्यान दिया है ठीक है कभी इस पर फोकस किया कि ये मूवमेंट आप कैसे कर पा रहे हो ओके okay? मोवमेंट में आपका रनिंग भी आता है आप दौड़ रहे हो तो वो वो भी क्यों कर रहे हो ठीक है वो भी आपका जॉइंट की वजह से होता है जो आप दौड़ पा रहे हो मीन्स आपने पैर को आगे करके ठीक है आगे मूव करके दौड़ पा रहे हो है ना तो पैर आपका आगे की तरफ मूव क्यों हो रहा है दैट इज़ बिकॉज ज्वाइंट ठीक है ये ज्वाइंट के हेल्प से आपका जो पैर है आपका जो लेग है वो आगे मूवमेंट कर पा रहा है ओके सो लेट लेट एस ट्राई टू सम ऑफ द मेनी मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडीज़ कैपेबल ऑफ तो फर्स्ट तो हमारा बॉल एंड सॉकेट मोमेंट ओके सो इसमें बता रहा है कि बॉल एंड इमेजनरी बॉल एट एन इमेजनरी विकेट जो होता है हमारा तो आपका बॉल एंड सॉकेट मोमेंट का ये जो तो फिगर है आप ये मैं आपको यहाँ पर दिखा सकती हूं कि कि ये जो तो आपका बॉल एंड सॉकेट मोमेंट है ये किस तरह है uh, आप देख सकते हैं कि ये आपका एक सॉकेट है ठीक है ये सॉकेट की तरह एक आपका होता है जहाँ पर आपका ये मूवमेंट होता है जहाँ ये आपकी ज्वाइंट्स होती है मैं वहाँ का फिगर आपको शो कर रही हूँ और उसमें आपका ये हो गया ये आपका बॉल की तरह ये एक लगा हुआ है ठीक है तो इस तरह से आपके ये ये जो ज्वाइंट्स होते हैं ना दैट इज़ योर कार्ड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स ठीक है एंड ये इसमें फिल होता है ये जो आपका बॉल दिख रहा होगा ना ये फिल होगा ये ब्लैंक नहीं होगा ठीक है तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपका ये देख रहे हो ना आप ये तो इसमें तो ये तो मूव ये यहाँ पर तो मूव हो नहीं सकता बट जहाँ पर ये जॉइंट्स होंगे ना वहाँ पर ये जॉइंट्स आपके मूव होंगे तो इसके थ्रू क्या हो सकता है कि ये जॉइंट्स आपके कहाँ कहाँ होते हैं आप अपने लेग्स में देख सकते हो लेग जो होता है ना आपका यहाँ आपके जो पिवोट जो गर्डल होते हैं ठीक है पाइवेट जो आपके होते हैं पैरविक पेवर्ड गर्डल जो आपके होते हैं उसके साइड में जो आपका वन लेग होता है जो आपके जो आ, टू जो लेग हैं ठीक है थीके? वो मूवमेंट क्यों कर रहे हैं आपके बिकॉज बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट ठीक है अपने सोल्जर के पास देख सकते हो आपका हैंड आपका हैंड अपना हैंड मूवमेंट करो ठीक है हैंड को ऊपर ले जाते हो नीचे ले जाते हो ये ये आप एक्सरसाइज करते हो ना एक्सरसाइज भी करते हो या फिर हैंड को आप पूरा आप अपने अराउंड अराउंड मूव कर सकते हो तो ये बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट से हो सकता है ठीक है एंड did you notice that we are not able to bend or rotate our body in place where two parts of our body seems to be joined together like elbow shoulder or neck okay Uh, अगर जो हमारे uh, जो एल्बो है हमारा जो हमारा नेक है या हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट्स है अगर जो वहाँ पर जॉइंट्स ना हो ना तो हम किसी भी चीज़ को या फिर uh, हम ना कोई चीज़ उठा सकते हैं ना किसी कहीं पर हम मूव कर पाएंगे ना हम कोई भी एक्टिविटी कर पाएंगे ना हम कोई एक्सरसाइज़ कर पाएंगे अगर जो ये सब भी हम कर रहे हैं तो किसकी हेल्प से कर रहे हैं जॉइ्स की हेल्प से और मैंने ये पहले भी बताया था और ये आपका एन लाइन भी कह रहा है आपके एनसीआर टी लैंगे के लिए डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बैंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम्स टू बी ज्वाइन टुगेदर लाइक एल्बो सोल्जर और नेक दिस प्लेसेस आर कार्ड जॉइंट्स ठीक है तो जहाँ पर भी ये हमारा नेक है ठीक है आप नेक को देख सकते हो आपने सपोज uh, करो कि आप आपका ये नेक है एंड उससे जो हेड तो जो आपका जो अटैच है तो आप उसको मूव लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ठीक है मूव कर रहे हो तो आप कैसे कर रहे हो ये जॉइंट्स की ही मदद से कर रहे हो आप ठीक है अपने हैंड को भी आप मूवमेंट कर रहे हो तो ये सभी आप जॉइंट्स के ही हेल्प से कर सकते हो फिर आपका जो ये नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने बताया था आपको ठीक है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स है uh, आपको मैं ये भी बता दे रही हूँ कि यहाँ पर जो आप आ, आपको दिख रहा है कि हाउ डू एनमस मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस तो मैं आपके आपको इन सब के नेम बता दे रही हूं आ, यहां पर आप देख सकते हैं जो आपका काउ हो गया ठीक है काउ में क्या होता है कि बॉडी पार्ट्स आर यूज फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लेग्स यूज करते हैं ठीक है ये आपका दिया हुआ है क्या करने के लिए वॉक करने के लिए ये वॉक ही करते हैं ठीक है ह्यूम क्या करते हैं वॉक एंड यूज क्या करते हैं Lex. ठीक है ये भी इसमें भी यही फील होगा सेम एज इट इज़ स्नक क्या करते हैं पर स्नैक जो है वो बॉडी को क्या करते हैं स्लीटर करते हैं सेम यही होगा स्नक क्या करते हैं आप स्लीटर कह सकते हो या क्रॉल कह सकते हो क्रॉल में स्ट्रेंगना होता है और ये क्रॉल आपका लिखा हुआ है यहाँ पर ओके okay. आप यहाँ देख सकते हो वॉक रन फ्लाई जंप क्रीप क्रॉल ये सभी आपके एग्जाम्पल हैं ठीक है थीके? तो इसमें आप एक एग्जाम्पल आपका है क्रॉल क्रॉल जो भी रेंगने वाले जितने भी आपके एनिमल्स हैं ठीक है थीके? वो सभी आपके किस में आते हैं क्रॉल में आते हैं बर, बर्ड आपकी होगी बर्ड क्या करती है क्रीप करती है ठीक है बर्ड भी क्रीप होगी आपकी इंसेक्ट्स बर्ड क्रीप नहीं बर्ड आपकी क्या करती है फ्लाई करती है ठीक है क्रीप नहीं हो क्रीप मीन्स तो रेंगना ही होता है वही होता है ठीक है और तो बर्ड आपकी क्या करेगी या आप यहाँ पर लिख सकते हो फ्लाई ठीक है कि बर्ड क्या कर रही है यहाँ पर आप फिल कर सकते हो फ्लाई आपको दिख रहा है ओके फिर आ, किसको अपने होल बॉडी को ठीक है ये अपनी पूरी बॉडी तो लेके चलती है ठीक है तो यहाँ पर आप फिल कर सकते हो होल बॉडी सो so, आपका जो नेक्स्ट आ रहा है वो है आपका इंसेक्ट तो आपका इंसेक्ट ठीक है आप यहाँ भर सकते हो क्रीप ओके तो इंसेक्ट आपका क्या कर रहा है क्रीप आपको दिख रहा होगा कि क्रीप है दैट इज क्रीप मैं यहां पर लिख दूँ सी आर डबल ई पी की ये क्रीप है आपको यहाँ भी दिया है क्रीप की स्पेलिंग आप यहाँ से देख सकते हो ओके okay? तो ये क्रीप कर, करते हैं इंसेक्ट्स और किसको अपने होल बॉडी को ठीक है तो आप यहाँ पर लिख सकते होल बॉडी एज इज़ आप उतार सकते हो ऐसे और फिर आपका नेक्स्ट व्यू आ गया दैट इज़ fish तो fish क्या करे fish जंप करता है ठीक है जंप करते हैं है या फिर आपका creep भी करते हैं ठीक है ठीके? वो पानी में बट creep कम करते हैं आपका फिस uh, तो जंप ही करते हैं ठीक है स्विम करते हैं स्विम आ गया ठीक है फिस स्विम करते हैं अपने होल बॉडी को एज इट इज़ ओके सो so, ये सब भी आपका हो गया नेक्स्ट मूविंग अ हैड जो हमारा जो टॉपिक था बॉल एंड सॉकेट्स जॉइंट इसमें एक्टिविटी टू आपके क्या कह रही है रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू टू आ सिलेंडर तो आप एक पेपर को लो ठीक है और उसे रोल करो किस में सिलेंडर uh, शेप में आप उसे रोल करो मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक तो आप क्या करो कोई ओल्ड रबर ले लो उसमें एक बहुत सा छोटा सा होल करो और यह प्लास्टिक भी ले सकते हो आप उसमें भी होल कर लो ठीक है आप कुछ भी ले लो आपके पास प्लास्टिक है प्लास्टिक ले लो और पुराना अगर जो रबड़ है कोई अनयूज यूजवल जो जो आपका यूज़ में ना हो ठीक है वो रबड़ आप ले लो उसमें होल करो एक स्मॉल होल करना पुस द पेपर सिलेंडर इन टू इट एज सोन इन फिगर एट पॉइंट टू तो जैसा कि आपका एट पॉइंट टू ये देखिए यहाँ पर दिखाया था कि मैंने ये आपको ये फिगर पहले भी बना के दिखाया था बॉल एंड सॉकेट का तो आप क्या करो होल करके फिर उस पेपर को उसमें पुस करना तो देखना कि उसके अंदर जाता है कि नहीं ठीक है और जाने के बाद क्या हो रहा है वो मूवमेंट कर रहा है कि नहीं अच्छा आपने कभी भी आ, आ, ऐसी जब आप पेंसिल रबड़ यूज़ करते थे ठीक है या फिर अभी भी आप करते हो तो आपने कभी देखा होगा कि आप ऐसे रबड़ लेके बैठे हो ठीक है ये सपोज कर आपका रबड़ और आपने पेंसिल से उसमें ऐसे होल बना बनाया होगा ठीक है कभी ऐसा किया होगा और नहीं किया होगा तो करना आप उसमें होल बनाओ उसमें पेंसिल रखो तो क्या करोगे पेंसिल की जो नोक है वो उसमें रबड़ में चली जाती है ठीक है और फिर आप क्या कर, देखते हो कि पेंसिल जो है वैसे से घूमता भी है ठीक है पेंसिल की नोक जाने के बाद भी पेंसिल घूमती है तो ये आपका बॉल एंड सॉकेट का बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल हो गया जो कि आप पढ़ते समय इसे ट्राई कर सकते हो ठीक है या फिर आपने कभी किया भी होगा तो आपने देखा होगा बॉल एंड सॉकेट जो है आपकी जो तो एक्टिविटी तो यहाँ पर है ओके सो uh, so ये क्या कह रहा है कि आप इस पर पुस्ट करो एंड डज द बॉल रोटेट फ्रीली इन साइड द बाउल और डज द पेपर सिलेंडर आल्सो रोटेट तो क्या होगा कि पेपर जो सिलेंडर आप उसमें डाल रहे हो किसी भी प्लास्टिक में या फिर जिसमें रबड़ में आपने होल्ड किया तो वो क्या कर रही है वो रोटेट कर रही है ना येजी ये देखिए रोटेट का आपका ये जो आपका ड्रॉ होता है ठीक है कुछ डॉट टाइप की तो हल्के से डॉट टाइप में दिखाए हैं कि इतने इतने स्पेस में ये रोटेट कर रहा है ठीक है मतलब ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है तो ये जस्ट इमेजिन करने के लिए आपको दिखाया है और ना इमेजिन दैट यू पेपर सिलेंडर इज़ योर आर्म वो आपका आर्म है पेपर सिलेंडर एंड बॉल इज़ योर एंड है द बाउल इज़ लाइक द पार्ट ऑफ द सोल्जर टू विच आर्म इज जॉइंट द राउंडर एंड ऑफ वन बोन फिर द एक्टिविटी ऑफ द अदर बोन जैसे कि आपका एट पॉइंट थ्री में दिखाया गया सच अ जॉइस अलाउ मूवमेंट इन आल डायरेक्शन कैन यू नेम अदर सच अ जेंट थिंक ऑफ रिकलेनेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स वी टाई द बैगनिंग ऑफ द सेक्शन ओके सो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका दिखाया हुआ है हैंड्स का और उसका मूवमेंट ओके सो आप ये देखिए दूसरा कलर मैं ले लेती हूँ आपके लिए ओके सो डन यस सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट के ज्वाइंट्स दिए हुए हैं ठीक है कितने अच्छे से दिखाए और ये जो आपका दिख रहा है ना ये कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में आपके मूवमेंट हो सकता है ये आपका हिप बोन है ठीक है जो आपके हिप बोन होते हैं उससे ये लेग अटैच है तो आप इसे बोलते हैं थिक बोन बोलते हैं ठीक है थीके? तो इससे क्या हो रहा है कि आपका जो लेग अटैच है ना तो ये जो लेग है आपका ये किसी भी डायरेक्शन में आप चाहो तो इसको मूवमेंट कर सकते हो ठीक है सो नेक्स्ट जो हमारा आएगा दैट इज़ आवर पिवोटल जॉइंट ठीक है तो हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स को तो बहुत ही uh, अच्छे से देखा एंड नेक्स्ट जो आवर है वो है पिवोटल जॉइंट ये कहाँ पर होता है ठीक है ये हमारे नेक के पास होता है जो हमारा नेक होता है लेफ्ट साइड एंड राइट साइड मूव कर रहा है तो दैट इज़ किसके किसके हेल्प से कर रहा है किसके जॉइंट से कर रहा है उसका नेम है पिवोटल जॉइंट ठीक है तो द ज्वाइंट आवर नेक जॉइंट्स द हेड इज़ देवोटल ज्वाइंट इट अलाउ द बेंड आवर हर्ट हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टर्न करता है ना मैंने कहा लेफ्ट साइड और राइट साइड टर्न कर सकता है तो ये पेवोटल जॉइंट से हो सकता है तो यहाँ पे देखिए इसका फिगर भी आपको दिखाया हुआ है पेवोटल जॉइंट्स का सो मुझे अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है ये देखिए ये आपका नेक दिख रहा है ठीक है एंड दैट इज़ योर हेड पार्ट सो so, यहाँ पर ये जो बीच में आपका दिख रहा है ये आपका पिवोटल होटल जॉइंट है ओके okay? सो मूविंग हेड जो हमारा थर्ड uh, ज्वाइंट है दैट इज़ हिंज ज्वाइंट और हिंज ज्वाइंट कहाँ होते हैं ये जो है हिंज uh, जॉइट कुछ ओपन और क्लोज डोर टाइप के होते हैं ठीक है मतलब मिस क्या हो सकता है कि ये आप देख सकते हो ये फिगर दिखाया हुआ है डायरेक्शन ऑफ हिंज जॉइंट्स ये क्या होता है कि मिस आपका ऐसे भी uh, इस साइड भी मूवमेंट कर सकते हैं और इस साइड भी मूवमेंट कर सकते हैं ठीक है दोनों ओपन और क्लोज टाइप के होते हैं तो हिन् जॉइंट्स द नी के पास होता है ये तो हमारे हिंज uh, जॉइंट्स होते हैं ठीक है मिस आप इसके गैपे में क्या देख सकते हो कि ये हम अगर जो हम अगर जो बैठना चाहें ठीक है अभी ये मान लिया ये ये पर्सन सपोज करो कि ये पर्सन अगर जो ऐसे नी है जिसका इस शेप में है तो वो चेयर पे बैठा है ठीक है और वो अगर जो बैठा है जैसे ग्राउंड uh, mm -hmm. पे सपोज करो आप ग्राउंड पे बैठ रहे हो तो ये क्या हो जाएगा ये <laughs> दोनों आपस में जुड़ जाएंगे ठीक है क्लोज हो जाएंगे और आप जब स्टैंड होते हो खड़े होते हो एक ठीक है सीधे सीधे आप ऐसे खड़े हो रहे हो तो ये जॉइंट आपका किस तरह किस शेप में हो जाएगा इस शेप में हो जाएगा तो ये क्लोज हो जाएगा तो ये जो है ओपन और क्लोज टाइप के जॉइंट्स होते हैं और मेनली कहाँ देखे जाते हैं आपके ये तो देखे जाते हैं ये आपके नी के पास देखे जाते हैं तो नी आपका ये ठीक है आपके लेग्स के नी हो गए या फिर आपका हैंड के पास ठीक है आप हैंड के पास भी देख सकते हो ठीक है फोर हेड के पास देख सकते हो और एंड दैट इज़ योर फिक्स जॉइंट्स नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ आवर फिक्स जॉइंट्स ओके तो फिक्स जॉइंट्स क्या होते हैं ये फिक्स होते हैं uh, ये जॉइंट्स जो हैं फिक्स जॉइंट सिर्फ आपके हेड में ही देखे जाते हैं ठीक है क्योंकि ये फिक्सड होते हैं तो हमारे हेड के जॉइंट्स ये भी फिक्स ही होते हैं ठीक है uh, आर डिफरेंट फ्रॉम द देखिए यहाँ पर लिखा है सम चैंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव दिस सो फॉर दिस बोन्स कैन नॉट मूव एट द जॉइंट्स सच जॉइंट्स आर फिक्स जॉइस जो कि मतलब फिक्स्ड होते हैं जिन्हें हम कहीं भी मूव नहीं कर सकते हेड के जो कुछ जॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम मूव नहीं कर सकते हैं ठीक है तो वो जैसे आपका ईयर हो गया ठीक है तो ईयर का जो जॉइंट्स है वो आपका फिक्स जॉइंट्स होता है उसे हम मूव नहीं कर सकते हैं ठीक है थीके? वो फिक्सड है वैसे का वैसे ही रहेगा ठीक है जैसे आपका नोज हो गया ठीक है तो उसे भी हम मूव नहीं कर सकते बिना वो खुद से मूवमेंट नहीं कर सकता अगर जो नोज आपको चाहे खुद से मूव हो ना तो वो नहीं हो पाएगा ठीक है आप किसी आ, अपने हैंड के हेल्प से या फिर आ, आ, अदर कोई पर्सन ठीक है अगर जो मूव करे तो भी वो मूव होगा अदर वो मूव नहीं होगा ठीक है तो वो आपका कैसा है फिक्स जॉइंट्स है सो एंड द लेक्चर दिया और भी जितने भी जॉइंट्स हैं इसमें uh, आगे हम देखेंगे ठीक है अपने नेक्स्ट uh, आने वाले लेक्चर में uh, इनके जो आगे जो हमारे जॉइंट्स होंगे ठीक है उनके बारे में हम कल लेक्चर में पढ़ेंगे ठीक है हमारा जो सेकेंड लेक्चर होगा सो so, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच